आज की इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे स्ट्रीट स्टाइल मोमोज। बेसिकली इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम स्टफिंग और डो रेडी कर सकते हैं। वैसे डिटेल वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले डो के लिए मैंने 2 कप मैदा ले लिया और थोड़ा सा नमक डाल दिया। इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं डालना है, मोइन नहीं करना है और थोड़े से गुनगुने पानी से हमें पटक पटक के अपने डो को गूंदना है। तो देखिए थोड़ी देर गूंदने के बाद आटा इकट्ठा हो जाएगा पर बाउंसी और चिकना नहीं होगा। तो थोड़ा सा तेल लगा के 20 मिनट रेस्ट करने के लिए इसे रख देंगे। फिर एक पैन में लेंगे तेल, बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक, मिर्च डाल के 30 सेकंड के लिए हाई फ्लेम पे भून लेंगे। फिर डालेंगे प्याज और उसे भी हाई फ्लेम पे भून लेंगे। फिर जो भी वेजिटेबल आपके पास अवेलेबल है उसे डाल दीजिए और मॉइस्चर सूखने तक इसे तेज फ्लेम पर पका लीजिए। और उसके बाद इसमें हम सीजनिंग ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ ब्लैक पेपर, नमक और गैनो और थोड़ा सा सोया सॉस डाला है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ी देर हाई फ्लेम पे पकाएंगे ताकि मॉइस्चर बिल्कुल ड्राई हो जाए। फिर फ्लेम बंद करेंगे और फिर हम इसमें स्प्रिंग अनियन मिक्स कर देंगे। उसके बाद 20 मिनट के बाद हमारा डो भी बिल्कुल चिकना हो जाएगा और बाउंसी हो जाएगा। तो अगली पार्ट में हम देखेंगे कैसे हम मोमोज को रेडी करेंगे।